नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर तो दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर की ग्यारहवीं क्लास लेने वाले हैं और इस क्लास में अगर आप देखें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ही एक प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ असेंशियल टर्म्स देखेंगे जैसे कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग जैसे टर्म्स भी लगे हाथ देख लेंगे तो आइए आज की क्लास इसके साथ शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथ फाइंडर पर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पी अपडेट्स मिल जाएंगे तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोस्तों अगर आप देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं एंड आप मुझे कमेंट में बताइएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म किस रिपोर्ट से आया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उस प्रकार का डेवलपमेंट जिसमें आज की जो नीड्स हैं वो पूरी हो ही रही हैं और साथ साथ जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनकी रिक्वायरमेंट भी हम इंश्योर करें तो वही डेवलपमेंट वाला ही कंसेप्ट यहाँ भी लग रहा है तो ये वो प्रकार का एग्रीकल्चर है जिसमें एम डैट मीटिंग दी नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन यानी अभी की जो जनरेशन है उसकी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो और साथ ही साथ जो रिसोर्स बेस है हमारा वो इंडेंजर ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ना बचे ऐसा ना हो यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उस प्रकार का एग्रीकल्चर है जिसमें आने वाले जो जनरेशन है उनकी भी नीड्स की हम देख रेख कर पाए कुछ भी आप देखें तो इस प्रकार का डिग्रेडेशन ना हो जाए कि आने वाले जनरेशन भूखे मरे एग्रीकल्चर ना कर पाए तो इस वजह से अगर हम देखें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बैलेंस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने पे जोर दिया जाता है सॉइल रिन्यूएबिलिटी पर फोकस की जाती है सॉइल हेल्थ पर फोकस की जाती है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जो भी है उनसे अगर एग्रो फॉरेस्ट्री हो रही है अलग अलग प्रकार की फॉरेस्ट्री हो रही है तो वो भी क्या होनी चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचना चाहिए क्रॉप्स फिश अगर फिशिंग हो रही है तो वो भी कैसी हो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फिश बचनी चाहिए ऐसा ना हो जाए कि आने वाले जनरेशन के लिए फिश ना रहे लाइफ स्टॉक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इको सभी की हेल्थ इंश्योर करवानी है किसी को डिग्रेड नहीं करना है सो दैट फूड और नौकरी लाइवलीहुड करेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन की मिलती रहे तो पर्पस है जो हमारे इकोसिस्टम से एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम से उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो और साथ साथ जो इकोसिस्टम सर्विसेज जिसका हम उपभोग कर रहे हैं वो हम बेहतर तरीके से कर सकें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाया जा सकता है याद रखिएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज एवरी इज इन लिमिट तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कई प्रकार हो सकते हैं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो क्या इंक्रीज होता है तो आप देखिए तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इंप्रूव करने पर जोर दिया जाता है बायोलॉजिकल तरीके पेस्ट कंट्रोल के होने चाहिए इंटीग्रेटेड तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए क्या होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट घबराइए मत मैं अभी कवर करवाऊंगा अगले क्लास में इरिगेशन एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए पेनियल क्रॉप्स रहे क्रॉप रोटेशन पर फोकस किया जाता है वैसे ही आप देखें तो वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स पर फोकस किया जाता है सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ आप देखें तो सस्टेनेबल फार्मिंग एंड फिशिंग प्रैक्टिसेस को फोकस किया जाता है उद्देश्य क्या है सॉइल इरोजन कम हो सॉइल सेलाइन ना हो पानी की कमी ना हो एक्विफर जो पानी है ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे ना जाए ओवर ग्रेजिंग ना हो ओवर फिशिंग ना हो बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो जो क्रॉप लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड है वो बर्बाद ना हो कम ना हो तो उनकी बर्बादी ना हो सॉइल सेलिनाइज हो जाता है एग्रीकल्चर ओवर फर्टिलाइजर यूज़ कर लेने से फॉल्टी इरीगेशन से तो वो जो क्रॉप लैंड है वो बर्बाद ना हो फूड वेस्ट ना हो वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है उसको भी संभालनी है उसके हिसाब से खाना होना चाहिए पॉवर्टी ना फैले तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के उद्देश्य आपको देखने मिलेंगे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड टर्म है तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप केमिकल्स यूज करके भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज केमिकल्स आप इसी प्रकार से यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स बचेंगे सॉइल आप इतना खराब ना कर दें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ना बचे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक प्रकार है ऑर्गेनिक फार्मिंग और भी प्रकार है आने वाले क्लासेस में हम चर्चा करने वाले हैं तो यूएस डी के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है ये वो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जिसमें जो सिंथेटिक इनपुट्स हैं सिंथेटिक यानी फैक्ट्री में बने हुए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हॉर्मोन्स अगर जानवरों को दे रहे हैं फीड तो फीड एडिटिव्स उनको एक्सक्लूड किया जाता है फैक्ट्री मेड केमिकल्स इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता हॉर्मोन्स पेस्टिसाइड इनका इस्तेमाल नहीं होता टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल जहां तक हो सके यथास्भव एक्सक्लूजन करना है या एवॉयड करना है बहुत कम ट्रेसेस में होना चाहिए लेकिन एवॉयड करना है जहां तक संभव है तो ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे एफ की भी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये एफ की जो डेफिनेशन है वो स्ट्रिक्ट है वो तो कहती है कि अवॉइडेंस नहीं करना सिंथेटिक इनपुट्स का एक्सक्लूजन हो जाना चाहिए जीरो यूजेज होनी चाहिए इन सिंथेटिक इनपुट्स की जैसे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हॉर्मोन्स फीड एडिटिव है ना जो फैक्ट्री में बन रहे हैं तो इसमें क्या किस पर फोकस किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन कीजिए क्रॉप रेसिड्यूज जो है उनका इस्तेमाल कीजिए वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर कीजिए एनिमल से जो मैन्योर्स मिल रहे हैं गोबर हैं उसका इस्तेमाल कीजिए ऑफ और फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ कीजिए मिनरल ग्रेड रॉक्स होते हैं उन रॉक को क्रश कर कर करके सॉइल में मिलाइए वैसे ही न्यूट्रियट मोबिलाइजेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन के बायोलॉजिकल तरीके हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रियट मैनेजमेंट एंड वैसे ही आप अगर देखें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट उन सब पे फोकस कुछ कीजिए ठीक है तो बाकी क्या है अभी हम चर्चा करेंगे तो बायोलॉजिकल तरीकों पर फोकस कीजिए कैसे प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए है ना बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर लीजिए तो ये सारी चीज़ों की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम देखें तो क्या क्या इंक्लूड करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप देखें तो ग्रीन लीफ के मैन्योर्स का इस्तेमाल कीजिए क्रॉप रोटेशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसको यूज कीजिए वैसे ही आप देखिए एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको आप इंटीग्रेट कीजिए जब आप खेती कर रहे हैं तो जानवर भी वहीं पर हैं उन्हीं से जो गोबर है काओ यूरिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैन्योर्स का इस्तेमाल करें साथ साथ बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करें फिर वो चाहे न्यूट्रिएंट का हो या पेस्ट का हो तो अब यहाँ पर तीन टर्म है मुझे मालूम है आपको नहीं समझ आया वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइज़र और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट दोस्तों बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हम आने वाली क्लास में करेंगे जब हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होता है फिजिकल मैनेजमेंट क्या होता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ये सब कवर होगा अभी के लिए हम ये दो टर्म देखते हैं एक है वर्मी कंपोस्ट दूसरा है बायो फर्टिलाइजर तो आइए इनको समझते हैं तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट अगर देखें तो वर्मी कंपोस्ट क्या है तो जो कि अर्थवम डाइजेशन पे बेस्ड एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट का तो इस प्रकार से क्या किया जाता है ऑलरेडी हमने वर्मी कम कंपोस्टिंग याद होगा आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसमें फार्म वेस्ट हुआ उसको क्या किया जाता है किचन वेस्ट है फार्म वेस्ट है उसको क्या करते हैं हम एक डब्बे में डालते हैं उसमें अर्थवम डाल देते हैं अर्थवम इसको खाता है और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उस किचन वेस्ट को कन्वर्ट कर देगा फार्म वेस्ट को कन्वर्ट कर देगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो उसमें आप देखेंगे तो जो बैक्टीरियल एक्शन है वो बेहतर हो पाएगी एयर के प्रेजेंस में तो बेहतर डिग्रेड होगा तो जो रेसिड्यू मिलेगा हमें कुछ इस प्रकार का दिखने वाला इसी को क्या कहेंगे वर्मी कंपोस्ट तो अर्थवम बेस्ड कंपोस्टिंग को याद है जब मैंने एनवायरमेंट पढ़ाया है तब भी समझाया था नेक्स्ट है दोस्तों बायो फर्टिलाइजर तो बायो फर्टिलाइजर क्या है दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है क्या गोबर बायो फर्टिलाइजर है नहीं 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 वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या हो गया जो फैक्ट्री में बनके है ना अमोनिया वगैरह किसान डाल रहा है खेत में तो वो सब क्या हो गया वो सब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर गोबर हो गया और बायो फर्टिलाइजर क्या हो गया ये वो फर्टिलाइजर है जो केमिकल सॉल्ट वगैरह नहीं है बायो फर्टिलाइजर्स अगर आप देखें तो इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट में सीड में सॉइल में यदि ऐड किए जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर तो बायो फर्टिलाइजर अगर आप देखें तो इसके काफी एडवांटेजेस हैं सबसे पहले तो ये पल्यूटिंग नहीं होते सस्टेनेबल हैं है ना दे डोंट पोल्यूट इन्वायरमेंट कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है केमिकल्स जैसा इन बायो फर्टिलाइजर का वैसे ही आप देखें तो इसमें अलग अलग प्रकार के हैं जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि आप देखें तो डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट्स की मज़बूत कर देते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं इसके सिवा कुछ बायोफर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जो कि एसिटिक एसिड गिबरलीन प्रोड्यूस करते हैं विटामिन बी प्रोड्यूस करते हैं जिससे प्लांट्स तेजी से ग्रो कर पाते हैं इसके सिवा बायो फर्टिलाइजर चीपर भी होते हैं कंपेयर टू दी केमिकल फर्टिलाइजर्स इसके सिवा इनका इस्तेमाल किया जाया जा सकता है पैडी में पल्सेज में स्मॉल फूड ग्रीन में वेजिटेबल्स में कोकोनट में ग्राउंड नट में सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बायो फर्टिलाइजर दोस्तों कई प्रकार के हैं आप देख सकते हैं कुछ अब आपको मैं लिस्ट दे रहा हूँ इसमें से कुछ याद कर लीजिएगा तो फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं तो इसमें याद रखिए एजीटोबैक्टर याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम याद रखिए फिर इसमें एनाबेना याद रखिए नॉस्टॉक याद रखिए यूपीएससी ने प्रलिम्स से पहले भी पूछ रखा है इस पर सिम्बायोटिक राइजोबियम आपको याद ही है नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है एनाबेना याद रखिएगा फिर इसमें बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो सुडोमोनास याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंगी में एस्पर्गुलस याद रखिएगा बाकी फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइज़र की बात अगर हम करें तो इसमें बैसिलस uh, चलेगा वो आप छोड़ सकते हैं सुडोमोनास याद रखिएगा तो इतने में आपका काम हो जाना चाहिए बैसिलस भी याद रख लीजिए तो इतने में आपका काम हो जाना चाहिए इतने प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स याद रखिए ये क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ करवाते हैं तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको ज़रूर याद रखिए तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी एग्रीकल्चर के टॉपिक में तो दोस्तों अगर मैं अपने कोर्स की बात बताऊँ तो मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं कंप्लीट एनवायरमेंट कंप्लीट ज्योग्राफी मैंने प्लस में अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में कवर करवाया है आपको ये सब अवेलेबल हो जाएंगे वहीं स्पेशल क्लास दोस्तों डेली मंडे टू सैटरडे प्लस क्लास चल रही है निकालो प्रिलिम्स 2022 हम 60 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं 60 क्वेश्चंस सर रोज कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस कहां से हैं 2020 के जून से करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया है 2022 तक सारे करंट अफेयर्स एक एक करके हम खत्म करने वाले हैं तो अगर आपने अब तक इसका हिसाब नहीं बने हैं तो कर क्या रहे हैं सिक्स पी पर आइए एनअकेडमी के फ्री स्पेशल क्लास में निकालो प्रसाद का हिस्सा बने तो सिक्स पी टू एट पी एम घंटे की क्लास होती है जिसमें हम एम प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर्स के तो आप चैंपियन बन जाएंगे मोस्ट एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी तो जब भी एन अकेडमी आई यूजी कोड के सी वन जीरो क्योंकि इससे आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है अल्टीमेट फिल्म जी एस एंड सी सैट टेस्ट सीरीज हम रन करवा रहे हैं ट्वेंटी जी एस एंड एट सी सैट टेस्ट है यानी अट्ठाईस आप देख सकते हैं और वहीं अगर आप देखें फिफ्टी सिक्स टेस्ट की एक साल तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ये छह महीने के लिए थी एक साल के लिए आपको छप्पन टेस्ट मिलता है चालीस जीएस के टेस्ट मिलेंगे सिक्सटीन सी के मिलेंगे जीएस में प्रीलिम्स के थर्टी टू सेक्शनल एंड एट फुल लेंथ टेस्ट हैं और इसकी कीमत है फोर फोर जीरो नाइन रुपीज तो जल्दी से जाएं के सी वन जीरो कोड का इस्तेमाल करें ये कीमतें बस सोलह फ़रवरी तक ही हैं तो इसका फायदा उठाएं वक्त बर्बाद ना करें आईकन एक मंच चल रहा है दोस्तों फ्लैट ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ विद कॉम्बो है फ्लैट टेन परसेंट ऑफ विद एजुकेटर्स कोड यानी के सी वन जीरो आपको मिल रही है यानी अठारह मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है बस छिहत्तर हजार एक सौ तो छिहत्तर रुपए में सेवन वन सेवन सिक्स आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव मेंटरिंग मिलती है मेन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस डेली मिलता है स्टडी प्लानर मिलता है ओपन हाउस मिलता है यूपीसी कॉम्बेट का हिस्सा बन सकते हैं फ्री मेगा टेस्ट सीरीज भी है अकेडमिक सब्सक्रिप्शन की एक साल की कीमत है रुपीज। और एक साल की की कीमत है एक साल की ऑप्शन की कीमत है चौबीस हज़ार पचास रुपए ये सारी कीमत तब है जब आप कोड यूज करें के सी वन जीरो जल्दी लोन भी फैसिलिटी आपका अवेलेबल है जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट दो घंटे में अप्रूवल उसका हिस्सा बन सकते हैं नौ से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं इनका हिस्सा जरूर बने थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हैव अ ग्रेट डे